सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि जो वैकेंसी निकली है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विभाग में भर्ती हेतु आवेदन मांगे गए हैं, उसकी पूरी सूचना आगे बता रहा हूं। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में जो पद का नाम है वो है हिंदी स्टेनोग्राफर, इंग्लिश स्टेनोग्राफर और इसके साथ ही सहायक ग्रेड, चपरासी और चौकीदार के पदों हेतु आवेदन मांगे गए हैं। साथियों, में हर बार स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट भर्तियां और उन भर्तियों से संबंधित जो भी ताजा जानकारी आए उनकी पूर्व सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहा हूं। इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाए, जिससे आपको जो भी सरकारी विभाग में भर्तियां आए उनकी पूर्व सूचना सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आगे आप देखिए, इन पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो इस प्रकार है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसमें आपको आवेदन करना है वो अंतिम तिथि है 15/10/2018। इससे इसी दिनांक से पहले आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेशन पोस्ट के माध्यम से आपको आवेदन पत्र भेजना होगा। दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं कि इस वैकेंसी में कौन कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो इसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें आवेदक छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग का मूल निवासी होना जरूरी है, ऐसा ही कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसके साथ ही जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यानी कि अभ्यर्थी कितना पढ़ा लिखा हो, तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है वो इस प्रकार है। जो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए अभ्यर्थी स्नातक कक्षा पास हो, यानी कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री पास कर रखी हो जो 45% से पास हो। इसके साथ ही उसको 100 शब्द प्रति मिनट हिंदी में और 25 शब्द प्रति मिनट का जो स्पीड का सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। और इसी के साथ ही जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास से 45% के साथ ही, और इसके साथ ही 100 शब्द प्रति मिनट व इसमें जो 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड का उसके पास इंग्लिश की जो इसका स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो पोस्ट है इसमें सहायक ग्रेड की, उसमें स्नातक 45% के साथ पास हो और इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास DCA कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको MS वर्ल्ड और इंटरनेट और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसके साथ ही जो इसमें पोस्ट है चौकीदार और इसके साथ चपरासी, उसके लिए मिनिमम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा पास है। और इसके साथ ही इसमें वेतनमान की बात करें तो जो इसमें चौकीदार और चपरासी के लिए वेतन है 4,750 रुपये से 7,440 रुपये और ग्रेड पे 1,300 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों, जो ये स्टेनोग्राफर और अन्य पोस्ट है उनके लिए जो वेतनमान दिया जाएगा वो है 5,200 रुपये से 20,200 रुपये और 2,800 रुपये ग्रेड पे के रूप में दिए जाएंगे। दोस्तों, इसमें आयु सीमा की बात करें तो अभ्यर्थी की आयु 1/1/2018 को 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ऐसा कैंडिडेट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, इसमें जो सिलेक्शन होना है वो लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर ही इस वैकेंसी में सिलेक्शन दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस भर्ती की विस्तृत जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल साइट जो है http:// आप देख सकते हैं districts.ecourt.gov.in इस साइट पे देख आप विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। ये साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बताऊंगा, वहां से भी आप इस साइट को देख सकते हैं और ये जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं वो पढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म अंतिम तिथि से पहले इस पते पर स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रेशन पोस्ट के माध्यम से भेजना है। तो दोस्तों, इसका जो पता है वो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर छत्तीसगढ़। इस पते पर आपको अंतिम तिथि 15/10/2018 से पहले आपको अपना आवेदन पत्र भेजना है। और दोस्तों, आप इस भर्ती से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इसकी ऑफिशियल साइट surajpur.gov.in इस साइट पे जाकर भी आप विस्तृत जानकारी देखें और इसके साथ इसका महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ें।
दोस्तों मैं आगे आपको बताऊंगा कि आवेदन पत्र पूर्ण सावधानी के साथ भरना है और आप अपना आवेदन पत्र इस साइट पे जो मैंने साइट बताई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगी, वहां से आप इस साइट में इसकी विस्तृत जानकारी और इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपना आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पहले स्पीड या रजिस्ट्रेशन पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो भी सरकारी विभाग में भर्तियां निकले उनकी पूरी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं, इसलिए आप मेरे इस रोजगार समाचार इंडिया चैनल के लाल रंग के सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, जिससे आपको जो भी सरकारी विभाग में भर्तियां आए उनकी पूरी सूचना सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।